नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आज बात कर रहा हूँ विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में। होम्योपैथी बहुत तेजी के साथ फैलती हुई चिकित्सा प्रणाली है। अगर मैं विश्व में भारत की बात करूँ तो भारत होम्योपैथी का अग्रणी आज भी बना हुआ है। जर्मनी ने में स्टार्ट तो हुई होम्योपैथी, लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा होम्योपैथी को अपनाया। भारत की जनता के लिए, यहाँ के जो वातावरण है उसके लिए होम्योपैथी काफ़ी अनुकूल चिकित्सा प्रणाली मानी जाती है। आप देखेंगे कि जब हम बड़े अस्पतालों में भर्ती होते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा बिल आता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों के लिए जब हम देखते हैं तो जहाँ अस्पताल में भर्ती होने के एक दिन के बिल के बराबर भी एक महीने की दवाई नहीं होती है। कठिन बीमारियां जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया पर मैं स्वयं कार्य कर रहा हूं, जिसमें मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। ऐसे ही कैंसर के काफ़ी सारे मरीज जिनको कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं होता है, तब वो लोग हमारे पास आते हैं और होम्योपैथी दवाई से उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से बार बार होने वाली पथरी को भी हम शरीर में बनने से रोक सकते हैं, या पथरी को होम्योपैथी दवाई से निकलने में मदद मिलती है मरीजों को। इसी तरीके से पाइल्स, फिसर, फिस्चुला इत्यादि जो परेशानी है उसमें भी होम्योपैथी दवाई लेने से बार बार होने वाली उनकी बीमारी जो है उस पर रोक लग जाती है। बच्चों को तो मीठी होने के कारण होम्योपैथी अत्यंत प्रिय है। वहीं शुगर के जो मरीज है उनको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में होम्योपैथिक दवाई देते हैं। मैं जो होम्योपैथी की 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाई देता हूँ वो डिस्टिल्ड वाटर में देते हैं, तो पानी में होने के कारण मीठी नहीं होती है और डायरेक्ट मरीजों को लाभ मिलता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि होम्योपैथी में बहुत समय लगता है। होम्योपैथी बहुत तीव्र गति से लोगों को राहत दिलाती है। लोग अपनी 20 साल पुरानी बीमारी लेकर के आते हैं और अगर 20 महीने में ठीक हो रही है तो ये तो मैं बहुत जल्दी ही मानूंगा। और बहुत ज़्यादा परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि लहसुन, प्याज ये सब खाने से दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा या कॉफ़ी पीने से ख़त्म हो जाएगा, ये सब बिल्कुल तकियानुषी बात है। होम्योपैथी एक साइंटिफिक चिकित्सा प्रणाली है और भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो आप अपनी किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। कोरोना के बाद होम्योपैथी में बहुत तेजी से बदलाव आया है, लोगों का माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है। लोग अपने बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी दवाई लेने के लिए हमारे पास आते हैं। ऐसे भी लोग हमारे पास आए जो पहले कभी कोरोना के पहले होम्योपैथी खाए ही नहीं थे और आज होम्योपैथी अपना रहे हैं। काफ़ी सारे मरीज एवियन के हमारे पास आए जिनको कोरोना में स्टेराइड के बाद एवियन हो गया, उनको होम्योपैथी से काफ़ी लाभ मिल रही है। तो आप भी अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए होम्योपैथी अपनाएं। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, सदस्य साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथी का अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। थैंक यू।